नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट आ रही है नवनियुक्त 42,000 शिक्षकों के लिए। देख सकते हैं हेडिंग कि नवनियुक्त 42,000 शिक्षकों का वेतन भुगतान अप्रैल में ही, आज के पेपर में ये दिया गया है। शायद अगर ये बात सही होगी तो आपके लिए अच्छी खबर बन सकती है। ये खबर पटना चल के आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं, प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में हाल ही में नियुक्त हुए 42,000 शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी कि शिक्षा विभाग से जो इस बार चयनित हुए हैं, जिनका नियुक्ति पत्र मिला है, वो 42,000 शिक्षकों के लिए वेतन भुगतान का निर्देश जारी कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले ये भी बोला गया था कि जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आपको पेमेंट रोका जाएगा। लेकिन इस खबर से उल्टा ये खबर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में हाल ही में हुए नियुक्त 42,000 शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस तरह अप्रैल माह में उनका लंबित वेतन भुगतान कर दिया जाएगा, यानी कि मार्च अप्रैल दोनों महीने का। नवनियुक्त शिक्षकों ने पिछले माह ही स्कूलों में योगदान दिया था। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि करीब 42,000 शिक्षकों में ऐसे शिक्षक जिनके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच कर ली गई है, उनके वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। यानी कि बहुत सारी जिलों में शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दोनों प्रमाण पत्र जाँच हो चुके हैं, तो उन शिक्षकों का वेतन भुगतान कर दिया जाएगा और जिनका नहीं हुआ है उनका इंतजार करना पड़ेगा। ये शिक्षा विभाग का एक छोटा सा अपडेट आया जो हमने आपको बताया दोस्तों। तो इस वीडियो को उन ग्रुपों में जरूर शेयर कर दीजिएगा जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, ताकि उनको कुछ अच्छी खबर सुबह सुबह मिल सके। तो ऐसे छोटे छोटे खबर फिर लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।